तो हमने देखा कि भुज शहर है वह कच्छ की जो कच्छ के वैभव का प्रमाण देता है कि भुज शहर की विशेषता क्या है। यह पूरा जो भुज शहर है वह भुजिया जो पहाड़ है उसके ऊपर है। तो इसकी जो भुजिया पहाड़ की जो सारी प्राकृतिक संपदा है, जो खनिज तत्व है, वह तो इसे मिलते ही है। साथ ही यहाँ पर उद्योग भी बहुत बड़ी मात्रा में है और यह शहर भी बहुत सुंदर है। तो इस शहर में देखने लायक क्या है, यह स्थल भी हमने जाने थे। तो हम इस पाठ में अब आगे बढ़ते हैं। भुज के उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। भुज की अगर हम उत्तर दिशा में जाए तो खावड़ा में काला डूंगर नामक जगह है, वहाँ पर काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। इस पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान को अगर हम देखें तो यह रेगिस्तान को यह देखने का बहुत ही अनोखा अनुभव है हमें वहाँ से मिल सकता है, क्योंकि वहाँ से पूरा रेगिस्तान और कच्छ भी हमें दिखाई देता है। तो वहाँ से अगर हम रेगिस्तान की झांकी करें, रेगिस्तान को देखें, तो यह एक बहुत ही अनोखा अनुभव होगा। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है और वहाँ पर ही सरकार और स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। रणोत्सव में बहुत ही बड़ा मेला लगाया जाता है, कई प्रकार के प्रतियोगिताएं भी होती है और ऊँटों की दौड़ भी वहाँ पर होती है। जो कच्छ के जो लोग हैं वह अपने कई प्रांतों में से आकर वहाँ पर अपने ऊँटों को दौड़ाते हैं और जो ऊँट प्रथम आता है, प्रथम द्वितीय और तृतीय आता है, उन्हें बहुत ही बड़ा बड़ा इनाम मिलता है। तो यह भी एक आकर्षण का केंद्र है और रणोत्सव भी वहाँ पर देखने लायक चीज है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। यहाँ पर जो सफ़ेद रेगिस्तान है वहाँ पर रेत देखने को हमें कहीं पर भी नहीं मिलती, सिर्फ नाम ही रेगिस्तान है, क्योंकि पूरी रेत के ऊपर जो नमक है उसके पास ही में, जो रेगिस्तान है उसके पास ही में एक बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्री किनारा है। तो उस समुद्री किनारे का जो पानी है वह कई बार है वह उसका स्तर ऊपर आ जाता है और इस पानी का स्तर ऊपर आने के कारण यह जो रण है, यह जो रेगिस्तान है, वह पानी में डूब जाता है। पर जब इस समुद्र का पानी है वहाँ से चला जाता है, उसका स्तर नीचे गिर जाता है, तो जो उस रेगिस्तान में जो समुद्र का पानी था वह सूख के वहाँ पर नमक बन जाता है। तो इस रेगिस्तान के ऊपर नमक के कई सारे जो स्तर है वह चढ़े हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पर रेत हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती। हम जहाँ भी देखें हमें एक सफ़ेद चादर ओढ़ा हुआ रेगिस्तान दिखाई देता है। तो वहाँ पर नमक के जो स्तर है, नमक की जो बड़ी बड़ी जो शिलाएँ हमें देखने को मिलती है, नमक के जमे हुए स्तर देखने को मिलते हैं और अगर हम उन्हें अगर खोदें तो ही हमें रेत दिखाई देती है। जो नमक के जो बड़े बड़े स्तर है वहाँ पर जम गए हैं, तो इसी कारण वह जो रण है, वह जो रेगिस्तान है, वह पूरा सफ़ेद दिखाई देता है। वह हमें कहीं भी वहाँ पर रेत नज़र नहीं आती, पूरा रेगिस्तान है उसमें वह नमक की चादर ओढ़े हुए है, इसलिए उसे सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। और रणोत्सव में देश भर से लोग है वह उस सफ़ेद रेगिस्तान को देखने के लिए आते हैं और सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी आया जाता है, आगे बढ़ते हुए सृजंग संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। वहाँ पास ही जो सृजन कला है, यानी कि जो भरत गुथन है या फिर कोई कच्छ की कई सारी कलाएं हैं जो वहाँ पर कपड़ों में है, जो
कई सारे चित्र है वह गुथे जाते हैं, कई सारे चित्र है वह बनाए जाते हैं। कच्छ की जो भरत गुथन कला है वह भी वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ बड़ी मात्रा में यह सारा जो सृजन का काम है, यह सृजन संस्था में वहाँ पर होता है, जहाँ वहाँ पर प्रजा की हस्तकला का हमें परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है, और वहीं पर अंजार में ही जैसल तोरल की समाधि भी है, और वहाँ पर बहुत ही बड़ा मंदिर है, और वह मंदिर वहाँ पर बनाया गया है, वो हमारा बड़ा ऐतिहासिक स्थान भी है। कई सारे लोग हैं वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। जैसल और सती तोरल की जो समाधियाँ है वहाँ पर, यह माना जाता है कि वह दिन ब दिन जो थोड़ी थोड़ी है वह नज़दीक आ रही है। तो इस अद्वितीय घटना का दर्शन करने के लिए भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं, और यह एक है पर्यटन स्थल भी है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं, यहाँ से हम आदिपुर और गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। आदिपुर तथा गांधीधाम भी हम जा सकते हैं, और सूरजबारी नामक जो स्थान आता है वहाँ पर कच्छ है वह पूर्ण होता है, कच्छ का इलाका है वहाँ पर पूर्ण हो जाता है, और कच्छ की यात्रा भी वहाँ पर पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है, जो पूरे कच्छ की अविस्मरणीय, हम कभी भी भूल ना पाए ऐसी स्मृतियाँ, ऐसी यादें है वह छोड़ जाती है। तो यह सूरजबारी स्थान है वहाँ पर कच्छ की यात्रा है वह पूर्ण होती है, और पूरा कच्छ है वह हमें कभी भी भूलने नहीं देती, ऐसी अविस्मरणीय स्मृतियाँ है हमारे मन में घर कर जाती है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यह एक कहावत भी है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, पूरा कच्छ है वह देखने लायक है। सांस्कृतिक, औद्योगिक तथा लोक के जीवन तथा हमारे ऐतिहासिक जो पुराने स्थल है, अगर हमें उन्हें जानना है तो एक बार कच्छ को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह सभी चीज़ें हैं हमें अकेले कच्छ में ही देखने को मिल सकती है। कच्छ गुजरात का गौरव है, और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। कच्छ है वह गुजरात का गौरव है, और यहाँ पर लोग है वह कोई भी ऋतु में आ जा सकते हैं, चाहे वह बारिश की ऋतु में आए, या फिर ठंड में, या फिर गर्मी में, कोई भी ऋतु में आए। यहाँ पर लोग है वह किसी भी मौसम में यहाँ पर घूम फिर सकते हैं, यहाँ पर दर्शन एवं सभी स्थलों पर वह घूम सकते हैं, इसीलिए यह दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। यह जो पाठ है जो हरीश धोलकिया ने गुजराती में भी लिखा है, जिसका नाम है कच्छनी सफर, तो ये गुजराती नो पाठ छे, एनु हिंदी में हमने वर्णन करेलू छे, कच्छ की सेर लखी अने आ पाठ छे एनो अनुवाद करेलो छे। तो आप गुजराती ना पाठना अनुवादक छे महेश भाई उपाध्याय, हरीश ढोलकियाए जे गुजराती में पाठ लखेलो छे तेनो हिंदी में अनुवाद कर्यो होय तो ए छे महेश भाई उपाध्याय। तो पाठना अंते अहीं थोड़ाक शब्दार्थ आपेला छे, तो एने आपणे जाणी लईए। अनूठा, अनूठा यानी कि अनोखा या फिर विशिष्ट। रेगिस्तान, मरुभूमि। जीर्णोद्धार यानी कि पुनः निर्माण करना, दोबारा इसको बनाना, इसका मतलब जीर्णोद्धार होता है। मजार यानी कि दरगाह, गुरुद्वारा सिखों का धार्मिक स्थल, और भूचाल, भूचाल यानी कि भूकंप। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। थैंक यू, अस्तु।